गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस टास्कशीट 3 क्लासिफिकेशन बर्ड्स क्लासिफिकेशन। अब हम इसमें क्या करना है कि कुछ बर्ड्स दिए हुए हैं तो उनका क्या है मीनिंग सेम होना, मतलब कि जिनका सेम यूज होता है। नेल्स हैं, नुकीले रहते हैं, पिन भी नुकीली रहती है, निडिल सुई स्क्रू पेचकस सभी नुकीले रहते हैं, बट हैमर डिफरेंट रहती है, इसको हैमर। उसके बाद बेक है, फ्राई है, बॉयल है, रोस्ट है, मतलब गर्मी करना है कुल मिला के। पिन में होता है छिलका, अलग है। उस प्रकार हैड, कैप टोपी लगाते हैं, टर्बन एंड हेलमेट ये सब कवर करते हैं। बट बेल का मिस होता है आवरण, दैट इज डिफरेंट। देखो जैसे फ्लोवर में दिखाया हुआ है जैस्मिन, रोज, मैरीगोल्ड, ट्यूलिप एंड वाटर लिली, तो जिनका जो अक्रेंस है, जो ओरिजिन है, वो अलग अलग होता है, पर वाटर लिली से डिफरेंस है क्योंकि वाटर पॉन्ड्स में पाए जाते हैं। उसी प्रकार फिफ्थ क्वेश्चन है, ये क्या है, सब रिवर्स हैं, बोलगा, नाइल, अमेजोन एंड कोंगो नदी, ये नदी नहीं होती है तो ये डिफरेंट है। उसी प्रकार आइसलैंड, हार्बर, इनमें ओसिस। उसी प्रकार दिल्ली, मुंबई, कानपुर, कोलकाता, चेन्नई ये सब कैपिटल्स हैं, तो कानपुर डिफरेंट है इसमें। तो इसका आंसर क्या हुआ, कानपुर। अब क्या है, ये उन्होंने दिखाया गया है, जैसे कि स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, सर्किल होता है, गोला होता है, रोमस होता है, तो क्यूबिट अलग होता है, तो अलग हो जाएगा। अब क्या है कि इसमें दिया है कंट्रीज के नेम है, ढाका, बीजिंग, मॉस्को एंड लंदन। मुंबई सिटी है, शहर है इंडिया का एक, तो ये डिफरेंट है। उस प्रकार लायन, जगुआर, लेपर्ड एंड टाइगर, और इसमें क्या चिंपैंजी डिफरेंट है। एंड उसी प्रकार अब देखो क्लासिफिकेशन लेटर्स बी। अब देखो इसमें दिखाया गया है सी के बाद ई, डी साइलेंट है, पी के बाद आर, तो क्यू साइलेंट है, बट हम कंसिस्टेंट देख रहे हैं, आर के बाद एस है, एस के बाद टी है, टी के बाद यू है, तो इसका तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर ए। उसी प्रकार ए बी पी डी ई आर, ए के बाद किस कौन साइलेंट हो रहे हैं, बी और सी, बी के बाद सी डी, पी के बाद क्यू हो रहा है, पी के बाद क्यू हो रहा है, तो यहां अब देखो, यहां देखो एस, वन वर्ड हो रहा है पी के बाद क्यू, पर यहां एक कंटिन्यू आ रहा है आर के बाद एस, पर यहां आना चाहिए था क्या, टी आना चाहिए था यहाँ, और यहाँ यू साइलेंट होगा तभी तो बी आएगा, तो इसका आंसर सी है। उसी प्रकार इसमें देखो सी ई, डी ई, ई के बाद क्या आ रहा है, एफ जी, मतलब दो दो लेटर साइलेंट हो रहे हैं। अब इसमें देखिए आप सी ई, एफ एच, देखो सी डी साइलेंट हो रहा है इसमें, जी साइलेंट हो रहा है, एम साइलेंट हो रहा है, यहाँ पर साइलेंट हो ही नहीं, बीच में कोई वर्ड कंटिन्यू दे रहा है, टी के बाद यहाँ यू आता है, यू और बी, इसलिए आंसर क्या है इसका, ये है। उसी प्रकार ए सी ई, ए सी ई, बी और डी, जे के बाद के एल, यहाँ आता एन, उसके बाद देखो आर पी क्यू आर एस साइलेंट, टी के बाद यू साइलेंट, ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ आता है आंसर जे एल एम, ओके क्लियर। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट पर, एफ आई जी एच ओ पी आर के बाद एस टी बी सी के एल एम एन, कितना डिफरेंस हो रहा है, ज़्यादा वर्ड्स का, ठीक।
उसी प्रकार ए बी जेड सी, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। अब देखो इधर से देख लेते हैं हमसे, एच आई, अब देखो यहां से देखते हैं, सी के बाद डी साइलेंट हो रहा था ई आया, ई के बाद एफ साइलेंट होता तो यहां आता जी, और एच साइलेंट होता तब तो आई आता, पर यह गलत आ गया, तो आंसर ये है इसका। उसी प्रकार बाई ए, ए सी, अब देखो इसमें हम देखते हैं इधर से थे, क्यू आर साइलेंट, एस टी साइलेंट, यू आ गया, बी बी एस टी यू बी, यू वी डब्लू एक्स वाई। अब देखो हमें इसे हम किस प्रकार समझेंगे, इसका आंसर आएगा हमारा ये डब्लू सी, पर डब्ल्यू सी हमारा आ क्यों रहा है, क्यू आर एस टी यू वी डब्लू, ए के बाद आया सी, बी साइलेंट, सी के बाद डी ई, सी डी ई, आई जे, आई आना था ना यहाँ पर, इसका आंसर ये आ जाएगा। उसी प्रकार और क्वेश्चन हम कर लेंगे, देन क्लासिफिकेशन इन क्लासिफिकेशन नंबर्स, क्लासिफिकेशन नंबर्स। अब देखो इसमें दिखाया गया है ये 625, 225, 1225, 3025, देखो 75 आ रहा है यहाँ पर, ये यानी सबके लास्ट में क्या आ रहा है 25, आ रहा 75, उसके बाद 4122, अब हम इधर से देखते हैं इसको, देखो 34, 95, 16, 25, ये डिफरेंट आ रहा है 4122। अब देखो इनमें कितना डिफरेंस हो रहा है, ये 22, 33, तो यहाँ 44 आना चाहिए था, 1450, 1550, 1650, यहाँ 1750 आना था। उसी प्रकार 7000, अब इधर से देखते हैं कुछ कम, 6000, 4000, 9000, 7000, पर ये 4004 है, डिफरेंट है ना इनमें। उसी प्रकार देखो उधर देखते हैं हम 92, 68, 66, 04, देखो ये क्या है ओड है, 78, 96, 94, 372, ये क्या है फोर डिजिट्स में है और ये थ्री डिजिट में। उसी प्रकार 70, 90, 61, 23, 124, 542, अब इसमें सबसे डिफरेंट कौन है, ये है। अब आती है बात नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कोड्स, क्लासिफिकेशन कोड्स। अब ये देखो क्लासिफिकेशन कोड्स हैं क्या, क्लिक द ऑड वन इन ईच सीरीज, 111 के बाद 222, ए के बाद देखो मल्टीप्लाई ना करके हम, ए के बाद क्या आ रहा है सी, बी साइलेंट हो रहा है और यहाँ साइलेंट होता है डी, तो यहाँ आता ई, ई के बाद एफ साइलेंट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या है ये, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 2P9, पी क्यू आर एस और टी, ठीक है। अब देखो यहाँ कैसे हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, 9, 8, 7, 6, 4, बल्कि यहाँ क्या आना चाहिए था 5, आंसर ई। अब उसके बाद ए जेड 11, बी वाई 22, बाई जेड एक्स बाई जेड 11, 22, और यहाँ 11, 33, क्योंकि यहाँ 44 आ रहा है, यहाँ 55 आ रहा है। एंड देन उसके बाद देखते हैं हम
ग्यारह बी, डी 33, 44, बी के बाद डी आया, डी के बाद एफ आया, एफ के बाद एच आना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आई साइलेंट हुआ तो जे आया, तो आंसर डी। उसी प्रकार 9888D766G। अब देखो हम इधर से देखते हैं, KLM इसका आंसर आएगा V। उसी प्रकार A70, अब देखो यहाँ से देखते हैं 30, 40, 50, 60 आना चाहिए था यहाँ पर, क्या आ गया 61। उसी प्रकार JKLM यहाँ N आना चाहिए था, यहाँ आ गया P। उसी प्रकार N, अब इधर से देखते हैं हमसे QRST, तो यहाँ आना चाहिए था PQRST, ठीक।